नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए, मैंने गार्डन का कुछ सेटअप चेंज किया है, वो भी आपको दिखाऊंगा और भी दिखाने जा रहा हूँ, अपडेट देने जा रहा हूँ गार्डन के आपके। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम जेड प्लांट से करते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रोइंग प्लांट है और ये मैं कटिंग से ग्रो किया है। और यहाँ पे स्नेक प्लांट रख दिए सारे और एक तरफ ये रियो प्लांट है। ये देखिए कितना बुशी बन गया है। कुछ अडेरियम मैंने इधर रख दिए हैं और देख सकते हो आप इनका कोडेक्स भी अब बनने लगा है। और ये कटिंग वाला अडेरियम है और इस तरफ ये स्पाइडर प्लांट है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे ये क्रोटोन और ये कुछ कलांचु प्लांट है कटिंग से लगे हुए। और ये देखिए ड्रेसिना प्लांट कटिंग से लगा हुआ, इसको मैंने रिपोर्ट किया था, रिपोर्टिंग की वीडियो भी डाली है। और यहाँ पे मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट है, छोटे छोटे बेबी प्लांट, तो भी इसमें देखिए नए नए प्लांट निकलने लगे हैं। और ये क्रोटोन कटिंग से लगे हुए दो प्लांट है इधर। ऑलमोस्ट ये सब प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए हैं, देख सकते हो आप। कुछ इस तरह मैंने सेटअप बनाया है। और ये डबल पेटल हिबिस्कस है, ये देखिए ब्राउन कलर का ऑरेंज वाला। ये बंदरों ने ये गमला तोड़ दिया था, दूसरे गमले में मैंने शिफ्ट कर दिया है। बंदर बहुत आते हैं हमारे यहाँ और इसके लिए मैंने जुगाड़ भी किया है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए क्रोटोन का बड़ा प्लांट है, इससे मैंने वो दो प्लांट तैयार किए। एक क्रोटोन है और एक तरफ ये आगे रखे है, बाकी अगे मैंने यहाँ पे रख दिए। देखिए कुछ इस तरह से। तो नया सेटअप आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए ये ट्रायंगल हार्ट, और ये देसी वाला हिबिस्कस, और ये डबल पेटल में मैंने आपको दिखाया था, कलियाँ भी आ रही थी और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो बंदरों ने देखी ये भी खा लिया था पूरा। तो इसका भी मैंने गमला चेंज किया और ये गमला भी उन्होंने तोड़ दिया था, ये देख सकते हो आप प्लांट। बंदर बहुत नुकसान कर देते हैं जब आते हैं तो। और यहाँ पे ये सारे अडेनियम मैंने रख दिए हैं। ये वेरीगेटेड हिबिस्कस है, बहुत ही प्यारा सा फ्लावर आया है। देखिए कल भी एक खिला था ये रहा, और कलियाँ भी देख सकते हो आप कितनी आई है ज़्यादा। और ये बड़ा वाला अडेनियम जो ख़राब हो गया था उसका मैंने कोडेक्स पूरा हटा दिया था, वो भी देखिए अब अच्छे से सेट हो गया है। और बाकी सारे अडेनियम मैंने इस तरह रखे हैं। और यहाँ पे कुछ कटिंग्स लगी हुई अडेनियम की, और ये जो मैंने घर पे गमले बनाए थे उसी में लगा के रखे अडेनियम। और ये देखिए बंदरों के लिए मैंने एक तरफ पूरे कांटे डाल के रखे हैं, ये देख सकते हो। ऐसे मैंने जुगाड़ किया है क्योंकि बंदर बहुत नुकसान कर देते हैं जब आते हैं, तो पूरा तोड़ फोड़ करके रख देते हैं, पूरी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। यहाँ पे देखिए नाग चंपा है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पे देखिए अमरूद का प्लांट, इसको भी खा लिया था यहाँ से, ये देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है, ये कॉफ कॉम है, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। एक पिंक वाला है हिबिस्कस, इसको भी खा गए थे पूरा। देखिए ये बहुत सारे प्लांट खराब कर दिए थे,
और ये टिकोमा वाइन है और ये अलमंडा है। गुल मेहंदी अब सीजन जाने आई है। यहाँ पे एक्जोरा है, इसको मैंने अब धूप में रखा है तो देखिए अब इस थोड़ा ठीक हो रहा है, क्योंकि आज तक मैंने शेड में ही रखा था बंदर की वजह से। अब क्या करूँ, बंदर बहुत आते हैं। ये कनेर प्लांट है यहाँ पे, ये देखिए ये रेड वाली कनेर में फ्लावरिंग हो रही है। और ये येलो कनेर, एक तरफ ये नाग चंपा है, कितने खूबसूरत प्यारे प्यारे फ्लावर आए। ये देख कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो नाग चंपा बहुत इजी टू ग्रोइंग प्लांट है और इसे आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो। और ये रेड वाला चंपा है और ये वाइट चंपा जो पूरा झुक गया था, इसको मैंने देखिए डोरी से बांध के थोड़ा ठीक किया है। अब धीरे धीरे सेट हो जाए तो अच्छी बात है। और ये अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है देखिए। और इसमें ये सीड पॉट बने, मैं बनने दूंगा और ट्राई करूंगा कि सीड से लगता है कि नहीं नाग चंपा, मैं आपको दिखाऊंगा। सॉरी ये चंपा है, तो सीड से लगता है कि नहीं मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे वाइट वाली कनेर है और ये देसी विनका। और ये सारे मॉस रोजेस जो मैंने कट कर दिए थे, अब ऑलमोस्ट सारे प्लांट मैंने इस टाइम कटिंग प्रूनिंग कर दिए है। ये देखिए ये भी कनेर है और ये अड़ूसी, अड़ूसा बोलते हैं, ये मेडिसिनल प्लांट है, खांसी में बहुत उपयोगी रहता है। तो ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और यहाँ पे अपराजिता के सीड पॉट बने थे इसीलिए मैंने इसको साइड में रख दिया है। और कुछ विनका और मॉस रोज यहाँ लगे हुए हैं। और ये कॉप्सकॉम के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आया हुआ है। और ये अगेव प्लांट जो मैंने अलग अलग करके सब रखे हैं। तो कुछ इसी तरह मैंने गार्डन का चेंजेस किया और मेरे प्लांट चल रहे हैं। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।